बास्केट में आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं टमाटर और अरबी की चटनी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तेल 3 बड़े चम्मच, नमक स्वाद अनुसार 1/4 छोटी चम्मच, हल्दी लेंगे, कटी हुई मिर्ची स्वाद अनुसार, 1/2 कटा प्याज, 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर, चावल का स्टॉक आवश्यकता अनुसार, 4 से 5 उबले और कटे हुए अरबी। ये थे हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब चलिए हम चटनी बना लेते हैं। गैस ऑन कर लेंगे, कढ़ाई गरम कर लेंगे। कढ़ाई गरम हो चुकी है, अब हम इसमें थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें अरबी डाल देंगे। अरबी को अच्छी तरह से भून लेंगे। अरबी हमारी भून चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। कढ़ाही में थोड़ा और तेल डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, मिर्च डाल देंगे, प्याज डाल देंगे, प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज हमारा भून चुका है, अब डाल देंगे हल्दी। अब टमाटर डाल देंगे। नमक भी डाल देंगे। अब हम टमाटर को तब तक ढक करके पकाएंगे जब तक टमाटर हमारा अच्छी तरह से गल नहीं जाता है। टमाटर की चटनी अच्छी तरह से गल चुकी है, अब हम इसमें ड्राई स्टॉक डाल देंगे। और फिर इसे उबाल लेंगे। चटनी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें अरबी डाल देंगे। और फिर इसे ढक करके 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुका है, हमारी अरबी की चटनी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो पे। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।